गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू आवर नेक्स्ट चैप्टर डेट इज यूनिट 12th ट्रायंगल। देखिए बच्चों इंट्रो, सबसे पहले ये देखिए, ये ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल होता क्या है। देखिए ट्रायंगल वो क्लोज पॉलीगन है जिसकी साइड्स क्या होती हैं, थ्री साइड्स होती हैं। कौन कौन सी? ए बी, बी सी, ए सी और सी ए। समझ आ गया? ए बी, बी सी, ए सी, तीन साइड्स हैं और तीन ही एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, और तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। समझ आ गए मेरे बच्चों? ये आपको पता ही है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, जो आपने सिक्स्थ क्लास में भी सीखा था। एक एक करके दोबारा रिपीट करते हैं। सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, नो साइड्स आर इक्वल, डैट मीन्स ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू सी ए। और एग्जाम्पल दे रखा है, ए बी की वैल्यू 3, बी सी की वैल्यू 4, सी ए की वैल्यू 5, तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट डिफरेंट है, तो उस ट्रायंगल को हम कहेंगे स्केलन ट्रायंगल। सेकंड देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल बच्चों कौन सा होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स ए बी इक्वल होता है बी सी के लेकिन इक्वल नहीं होता सी ए के। तो कोई भी दो साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो ट्रायंगल क्या होगा? आइसोसेल्स ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ, ए बी अगर 3 है, बी सी अगर 3 है, सी ए 4 है, तो इस ट्रायंगल को हम नाम क्या देंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड्स इक्वल लेंथ की है, 3 सेंटीमीटर की है। थर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है बच्चों? जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, मींस ए बी इक्वल होता है बी सी के, इक्वल होता है सी ए के। एग्जांपल के लिए ए बी अगर 3 है, बी सी भी 3 है, सी ए भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये तीनों इक्वल सेंटीमीटर लेंथ की हैं, तो ऐसे ट्रायंगल को हम नाम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। फोर्थ देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, फोर्थ क्या है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है बच्चों? ऑल एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। याद रखना तीनों एंगल क्या होंगे, उनकी मेजरमेंट क्या होगी? तीनों 90 से कम होंगे। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा, एंगल ए 60, बी 80, सी 40, तीनों के तीनों एंगल 90 से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम नाम देंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, इसमें सिर्फ एक एंगल, तीनों में से कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर देन 90 हो जाता है, तो उस ट्रायंगल को हम नाम देंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जैसे एग्जांपल देगा, अगर ए 100 है, बी 50 है, सी 30 है, ए जो है 90 से बड़ा हो चुका है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम नाम क्या देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। मूव ऑन टू सिक्स्थ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? जिसमें एक एंगल क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिर्फ एक एंगल होगा 90 डिग्री के, जैसे कि एंगल ए 90, बी 60, सी 30 डिग्री, तो एक एंगल 90 आ चुका है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम नाम देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, नाउ मीडियन देखिए। ट्रायंगल में मीडियन क्या होता है ये देखिए। ट्रायंगल में मीडियन, जैसे आप ये देख रहे हो, कोई भी वर्टेक्स से अगर कोई पॉइंट उसके अपोजिट साइड्स पे इंटरसेक्ट करती है और अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है टू इक्वल पार्ट्स में, कहने का मतलब अगर पूरी बी सी 10 सेंटीमीटर है तो बी डी 5, सी डी 5, अगर ऐसा हो जाता है तो ये जो लाइन है, ए डी जो लाइन है, वो काम करेगी मीडियन का। दोबारा सुनो, मीडियन इंपॉर्टेंट है कि ए डी मीडियन कब होगा? जब ये बी सी लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। अगर बी सी 6 है, ये 3 हो जाए, ये 3 हो जाए, 3 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड हो जाए, तो ए डी लाइन हमारी क्या कहलाएगी? मीडियन कहलाएगी। मूव ऑन टू नेक्स्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स के ऊपर अगर वो 90 डिग्री एंगल बना देता है तो वो क्या होगा बच्चों? एल्टीट्यूड कहलाएगा। जैसे कि एंगल डी 90 डिग्री है, इफ़ एंगल डी इज 90 डिग्री, तो जो ए डी है वो हमारा काम क्या करेगी? एल्टीट्यूड का। समझ आ गया? अगर क्वेश्चन में कहीं भी गिवन होता है कि ए डी एल्टीट्यूड है, डैट मीन्स वो
90 डिग्री एंगल बना रही है उसकी अपोजिट साइड्स पे। समझ आ गया बच्चों? अब एक बात ध्यान देने की क्या है, जो मैंने नेक्स्ट फिगर में बता रखी है, क्या कि AD जो है वो ट्रायंगल के अंदर भी हो सकती है, जैसे इस केस में था इनसाइड, और ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। लिखा भी हुआ है इन दिस केस एल्टीट्यूड इज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, तो जो एल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है, ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, लेकिन मीडियन हमेशा ट्रायंगल के इनसाइड होगा। समझ आ गया बच्चों? ये बात ध्यान रखना कि एल्टीट्यूड क्या होता है, वो ट्रायंगल के आउटसाइड भी बन सकता है, ट्रायंगल के इनसाइड भी बन सकता है, बट एक बात क्या जरूरी है कि वो हमेशा क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इंट्रो में अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम करेंगे 12th ए एक्सरसाइज। यस, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्राई योर सेल्फ। यस बच्चों, अब मैंने आपको इंट्रो में समझा दिया है कि कौन सा ट्रायंगल इक्विलेटरल है, कौन सा स्केलन है, कौन सा आइसोसेल्स है। अब आप उसकी साइड देखो हर एक पार्ट की और खुद आइडेंटिफाई करो कि कौन सा पार्ट स्केलन ट्रायंगल है, कौन सा पार्ट आइसोसेल्स है, कौन सा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, आई होप, उम्मीद करता हूँ मैं ये कि आप क्वेश्चन फर्स्ट खुद से ट्राई कर पाएंगे इंट्रो समझने के बाद। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, अब हम को क्या है, ट्रायंगल ABC ड्रा करना है और एक एक पार्ट में हमको गिवन है, हमने उसका मीडियन ड्रा करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ड्रा मीडियन AD। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC ड्रा करेंगे, ड्रा कर दिया, फिर AD उसका क्या करेंगे, मीडियन। बच्चों जैसे बताया था AD मीडियन कब होगा, जब ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। मींस अगर BD 5 है CD 5 हो, BD 3 है CD 3 हो। देखिए AB अगर 6 सेंटीमीटर है, BC 10 है, AC 7 है। जैसे बताया था अगर BC 10 है तो BD 5 है, CD 5, BD 5 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये रफ फिगर बन चुकी है हमारी, जो क्या पूछा गया था, मीडियन AD का। नाउ बी पार्ट पे आइए, एल्टीट्यूड हमको AM ड्रा करना है। देखिए अब एल्टीट्यूड बताया था, एल्टीट्यूड क्या होगा, जो क्या बनाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये देखिए ये आपका एल्टीट्यूड बन गया, AB 6 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। समझ आ गया? और एंगल M क्या आ चुका है, 90 डिग्री। सी पार्ट देखिए, ड्रा मीडियन CF। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा इसके अंदर, सी से पॉइंट लेंगे AB के ऊपर, इसके अपोजिट में। ठीक है, अब जो AB हमने 6 सेंटीमीटर लिया था, अगर ये पूरा 6 है तो ये 3 होना चाहिए, ये भी 3 होना चाहिए, तभी हमारा CF जो है मीडियन का काम करेगी। AF 3 सेंटीमीटर, FP 3 सेंटीमीटर, BC 10, AC 7। ठीक है बच्चों, नाउ डी पार्ट देखिए, एल्टीट्यूड BP कैसे होगा, PP 90 डिग्री एंगल बनाना है, AB अगेन 6 सेंटीमीटर, BC 10 सेंटीमीटर, AC 7 सेंटीमीटर। अब एल्टीट्यूड मीन्स B से AC के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाना है, जो बना दिया है हमने, तो एंगल P हम 90 डिग्री देख रहे हैं, तो ये हमारा रफ फिगर बन जाएगी एल्टीट्यूड BP की। ठीक है बच्चों, यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्या है, ए ट्रायंगल हैज डैश एलिमेंट, कितने एलिमेंट होंगे, 6। ठीक है, सेकंड है, वर्टेक्स अपोजिट टू साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC इज, हम ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ABC, तो BC के अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, एंगल A। ठीक है बच्चों, BC के अपोजिट कौन सा है, A। नाउ साइड अपोजिट टू एंगल A इज, पहले ट्रायंगल बनाओ ABC, साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड कौन सी है, BC, A के सामने कौन सी है, BC। इफ़ ए ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, दोबारा बनाइए ट्रायंगल ABC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, D मिड पॉइंट है, तो साइड मीडियन क्या होगा हमारा, अगर CD मीडियन होगा हमारा, क्या होगा, CD। देखिए मैं बड़ी फिगर बनाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो, देखिए ABC, कहते हैं D इज द मिड पॉइंट ऑफ BA, B यहाँ पे D आएगा,
तो सी डी हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है बच्चों, आई होप अब आपको आ गया होगा। डी इन ए ट्रेंगल हुई है, कितने मीडियन हो सकते हैं, थ्री मीडियन हो सकते हैं एक ट्रेंगल के अंदर से। ठीक है, द मीडियन ऑफ ए ट्रेंगल ऑलवेज लाई इन इट्स इंटीरियर, हमेशा क्या होगा इंटीरियर, जैसे बताया था मैंने आपको इंट्रो में भी कि जो मीडियन है हमेशा इनसाइड ऑफ द ट्रेंगल लाई करता है। द डैश ऑफ ए ट्रेंगल, हाँ इसमें क्या आएगा, एल्टीट्यूड, बताया था जैसे फिगर भी ड्रा करके बताया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है, इनसाइड भी आ सकते हैं आउटसाइड भी। द हाइट ऑफ ए ट्रेंगल इज ऑल्सो नोन एज, ये भी एल्टीट्यूड, याद रखना एल्टीट्यूड का दूसरा नाम क्या है, हाइट, क्या है, हाइट। ठीक है, नेक्स्ट ए ट्रेंगल इज सेड टू बी डैश इफ टू ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ सेम लेंथ, ये आपको पता है खुद करोगे। ए ट्रेंगल इज सेड टू डैश इफ ईच, ये भी आपको पता है कि जब तीनों लेंथ इक्वल होती है तो उस ट्रेंगल को नाम क्या देते हैं, एंड इक्विलेटरल ट्रेंगल इज, हाँ एक से दूसरा नाम होता है इक्वीएंगुलर, इक्वीएंगुलर क्यों होता है, कि उसके एंगल तीनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और तीनों एंगल किसके इक्वल होते हैं, 60 डिग्री, डेट्स वाई, समझ आ गए, इसका दूसरा नाम क्या है, इक्वीएंगुलर। सो डेट्स इट फॉर टुडे बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में 12th B करेंगे। थैंक यू।